कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार, पीएम मोदी ने दी खुशखबरी। मैं हूं मोहम्मद साहिल और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल सूरज की रोशनी। पेश है रिजवान खान की यह रिपोर्ट। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना की स्थिति को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा सांसद ने हिस्सा लिया। वहीं बैठक के बाद पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत को अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन मिल सकती है। भारत के वैज्ञानिक सफलता के करीब हैं। वैक्सीन कंपनियों से हरी झंडी मिलने के बाद टीकाकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन की कीमत और उसके वितरण को लेकर भी बात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, वैक्सीन पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को दी जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार वैक्सीन के वितरण पर तेजी से काम कर रही है। वैज्ञानिकों से भी मिलने का मौका मिला है और भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही मजबूत है जी। अभी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम बाजार में हम सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाकर मैंने ये भी देखा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश की तैयारियां कैसी हैं। हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। साथियों, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। भारत के पास वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी भी है। सभी दर्शकों से गुजारिश है कि हमारे न्यूज चैनल सूरज की रोशनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपने आसपास की सारी खबरें मिलती रहें।